Hello students, good morning. You are connected with RK Siwaj for Mathematics 10 plus 2. Chapter name is Algebra of Matrices and topic is Solution of Exercise 3.2, question number 11. दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, दोनों मैट्रिसेस का एडिशन इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू हमें निकाल के देनी है इसको. तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे. क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई में 3 ऐड करोगे, 2 में माइनस 2 ऐड करोगे, 0 हो जाएगा. माइनस 2 में 2 ऐड करोगे तो 0 हो जाता है. 4 में 1 ऐड करोगे 5 हो जाता है. x में 0 ऐड करते हो x हो जाता है. 6 में माइनस 1 ऐड करते हो 5 हो जाता है. एंड इज इक्वल टू गिवन 6 0 0 5 2x + y 5 एलिमेंट एक मैट्रिक्स के. अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे, उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. तो ऑर्डर तो इक्वल नजर आ ही रहे हैं, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रख लेते हैं. तो कौन है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, x माइनस वाई प्लस 3 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 6 है, तो इसके इक्वल टू 6 लिखूंगा. अब x इज इक्वल टू 2x प्लस y है, तो दोनों को इक्वल लिख लूंगा. बाकी आपको कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाइव तो फाइव के इक्वल होता है, ये फाइव फाइव के इक्वल है, जीरो जीरो के इक्वल है, जीरो जीरो के, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है. तो दो ही इक्वेशन बनने जा रही हैं, तो यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बन जाता है, यहां से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू x से बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब दोनों को सोल्व कर लेंगे. अब ये चीज बताने की जरूरत है नहीं वैसे कि किस तरीके से आपने सोल्व किया, क्योंकि सोल्व करने के अपने पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. तो इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं मैं, दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2. x की वैल्यू 3/2 है, तो y की क्या आ जाएगी, उसकी नेगेटिव बन जाएगी, यहां से निकाल सकते हैं. तो y की वैल्यू -3/2, तो x और y की वैल्यू आ चुकी है. नेक्स्ट में देखा 3 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स. तो सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा उसको, और साथ साथ इस मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 से किया जाएगा. 3 से अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब 3x 3y 3z 3w लिख दिया, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है. और यहां पे दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब x प्लस 4 लिख दूंगा, 6 प्लस x प्लस y लिख दूंगा, या -1 + z + w लिख दूंगा और 2w + 3 लिख दूंगा. अब फिर से दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं, तो दोनों इक्वल होने का मतलब उनके कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है. तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 एक, 3y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 6 दूसरी, और यहां पर 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1 यहां, और उसके बाद मेरे को नजर आ रही है ये 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 ये रखी. इन चारों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं. तो सबसे पहले तो ये था 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहां से x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती मेरे को 2. हाँ जी, जैसे ही x की वैल्यू मिल जाती, अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल सकते हो, 6 प्लस 2 y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस y 2y, तो y की वैल्यू यहां से कंपेरिजन करके 8/2 का मतलब 4 आ जाएगा. तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन जो x की वैल्यू 2 था उसका यूज करते हुए y की वैल्यू निकाल ली. आगे चलते हैं, तो इक्वेशन मिली यहां से ZW के अंदर, कैसे 3z - 1 + z + w को हमने लिख दिया 2z, क्यों, ये z उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 क्या होता है 2z इज इक्वल टू -1 + w बचता है. इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं सेकंड कह दूं, तो अगली इक्वेशन जो दे रखी थी 3w इज इक्वल टू 2w + 3, इसमें से w इज इक्वल टू 3 वैल्यू निकल आएगी. अब w की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिखूंगा पुटिंग w इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, वी हैव 2z - 1 + 3, z इज इक्वल टू 1. तो जितने भी वैल्यू आपने निकाली सभी को एक सीक्वेंस में आंसर में भी लिख दो. ठीक है, वैसे तो आपने काम पूरा कर दिया है, बट ये लिखने का फायदा है क्योंकि हाईलाइट हो जाता है, आपको आंसर इन जो होगा स्पष्ट नजर आएगा कि x की वैल्यू है, y की है, z की है, w की है. नेक्स्ट है x प्लस a इज इक्वल टू 0, x कोई वेरिएबल नहीं है, a कोई वेरिएबल नहीं है.
एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स क्या चीज है, ए क्या चीज है, मैट्रिक्स है। एक्स भी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है। ओ यहां आप इसको जरूर कह सकते हो जीरो मैट्रिक्स, ओ को आप जीरो मैट्रिक्स बिल्कुल बोल सकते हो। तो ए इस क्वेश्चन में दे रखी है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, a की वैल्यू दे रखी है, तो a उधर जाकर माइनस ए हो गया ना, a की वैल्यू मैंने रख दी यहां पे, तो x की वैल्यू क्या आ गया माइनस तीस। तो इस माइनस को सब अंदर भेज दो तो किसके पास आएगा, प्रत्येक एलिमेंट के पास आएगा, जितने भी हमें एंट्री नजर आ रही है सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो गए हैं। तो क्या आ गया x, x क्या चीज है, वेरिएबल नहीं है, मैट्रिक्स है, तो x मैट्रिक्स निकल चुकी है। आगे मैट्रिक्स x प्लस अदर मैट्रिक्स इज इक्वल टू अ गिवन मैट्रिक्स, ये x फिर से कहूंगा वेरिएबल नहीं है, ये मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, आप बता सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब ये 3x3 के, तो x भी क्या होना चाहिए 3x3 होना चाहिए। चलिए वैसे मैंने इसको इसमें ऐड करने के लिए नहीं कहा है, निकाल सकते हैं आप इसके लेट करके, 9 एलिमेंट्स को लेट कर लो, उसमें ऐड करोगे, उसके बाद कंपेरिजन करोगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो मैं दूसरे रास्ते से चल रहा हूं। क्या चीज, ये जो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड माइनस हो जाएगा, तो एक्स को अकेला कर लेंगे, तो पहले से ये मैट्रिक्स दे रखी, उसमें से ये वाली मैट्रिक्स इधर आके माइनस हो जाएगी। तो दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, 1-0 1 होता है, 2-1 1 हो जाएगा, 3-5, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे सबट्रैक्शन में, ये रिजल्ट बनेगा। ये कौन आ गया, ये मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू है, ये एक्स है। आगे मैट्रिक्स ए दे रखी है, बी दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखे है, बी दे रखी है, और हमें निकालने के लिए कहा गया ना, उसके बाद क्या रखा है कि ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, तो x की वैल्यू निकालिए, तो हम क्या कर देते हैं, x बोथ साइड ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे कि इधर वाला x कैंसिल हो जाए, ये वाला x बच जाए, तो x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाए, a प्लस बी इक्वल टू प्लस एक्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद ही, a प्लस बी इक्वल टू माइनस एक्स। कहने का मतलब मैट्रिक्स जब a और b दे रखी है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर निकलेगी। तो मैट्रिक्स a के एलिमेंट ये है और बी के एलिमेंट ये हैं, तो मैंने मैट्रिक्स ए की जगह एक रख दिया, बी की जगह बी को रख दिया, तो दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो दोनों को ऐड करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 1+-1 0 हो जाएगा, 4+2 6 हो जाएगा, 3+0 3 हो जाएगा, 2+5 7 हो जाएगा, 2+3 5 हो जाएगा, 5+1 6 हो जाएगा। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन हो चुका है, बट ये ए प्लस बी आ चुकी है, किसके इक्वल दे रखी थी, एक्स के, इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी का रिजल्ट ये है, तो ये आंसर आ चुका है एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स अलग से दे रखी है। अब ये फिर से कहना चाहूंगा कि x और y जो नजर आ रहे हैं ये वेरिएबल नहीं है, ये मैट्रिसेस हैं। कहोगे हमें कैसे पता लगे ये वेरिएबल है कि मैट्रिक्स हैं? देखिए स्मॉल लेटर में नजर आएगा तो समझो वेरिएबल है और कैपिटल लेटर में नजर आएगा तो वेरिएबल है, सॉरी मैट्रिक्स का नाम दे रखा है। स्मॉल लेटर में नजर आएगा तो वेरिएबल है और कैपिटल लेटर में नजर आते हैं तो मैट्रिक्स का नाम है। तो करना वैसे दिमाग में तो वेरिएबल को जैसे आपने टेंथ में करते थे, दो इक्वेशन होती थी x प्लस वाई समथिंग, एक्स वाई माइनस इज इक्वल टू समथिंग, तो उन दोनों को सोल्व कैसे करते थे, वही तीन रास्ते, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। वो ज्यादातर बच्चे जो ना एलिमिनेशन मेथड को यूज करते थे, तो काम वैसे ही चलाना, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल होकर एक्स प्लस एक्स 2x, बट ये एक्स मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को भी ऐड करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड किया तो ये आ रहा है, क्या बना 7+3 10 हो जाएगा, 0+0 0 हो जाएगा, 2+0 2 हो जाएगा, 5+3 8 हो जाएगा, बट ये तो 2x की वैल्यू, हमें तो x की वैल्यू देनी है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, इधर से 2 से डिवाइड किया अकेला x हो जाता है, इसे 2 से डिवाइड नजर आ रहा होगा और 2 लिखा हुआ है,
अब इस टू को जो वन बाई टू है प्रत्येक को अंदर जो एलिमेंट नजर आ रहा है प्रत्येक एलिमेंट के पास जाएगा, टेन का हाफ फाइव, जीरो का हाफ जीरो, टू का हाफ वन, एट का हाफ फोर। ठीक है जी, अभी तक x की वैल्यू निकली, हमें तो y की भी तो निकालनी है। आप फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, जैसे मर्जी रखो, मैंने फर्स्ट में रख दिया। क्या लिखा, तो फर्स्ट में रखा मैंने x को, तो यहां y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें इसको एक्समाइज कर देंगे। बट यहां पर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्हीं इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं। क्या सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट, यानी कि फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वाई वाई टू वाई हो जाएगी, एक्स एक्स गायब हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करना है, तो टू वाई इज इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो ये सेवन माइनस थ्री फोर आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, टू माइनस जीरो टू आ जाएगा, फाइव माइनस थ्री टू आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये टू वाई की वैल्यू चली हुई है, वाई कैपिटल है। अब y की वैल्यू निकालने के टू से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी तो मैंने टू वन बाई टू नजर आ रहा होगा, टू जैसे अंदर भेजोगे तो टू जीरो वन वन एलिमेंट आ जाएंगे, किसके ये y के एलिमेंट आ चुके हैं, x के हमारे ये आ चुके हैं। ये मैट्रिक्स है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब अगला क्वेश्चन है, वी हैव टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस टू वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x एंड y। ये क्वेश्चन है, तो दो इक्वेशन है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इनकी कोफिशियंट इक्वल कर लेता हूं। अगर मैं फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2y बन जाता है, 2y अगले में, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, वही मैं प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं। तो मल्टीप्लाई 1 बाई टू वी गेट, क्या मिलेगा, ये रहा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इस मैट्रिक्स को भी 2 में 2 डालना पड़ेगा, तो उसका डबल कर देंगे तो 8 4 14 14 6 8 बन जाएगा। इक्वेशन थर्ड आ चुकी है, और जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें थर्ड को ऐड कर दूंगा। कौन है सेकंड, सेकंड इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी यहां पे, तो x माइनस टू वाई में क्या ऐड करने वाले हो, 4x प्लस 2y, 2y से 2y कैंसिल होकर x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। राइट साइड में जो ये मैट्रिक्स थी उसमें ऐड कर रहा हूं मैं उधर की मैट्रिक्स, यानी कि ये, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस 3 8 प्लस 2 14 प्लस 1 14 प्लस 1 6 माइनस 1 8 प्लस 2, रिजल्ट आया 5 10 15 15 5 10। बट ये तो 5x की वैल्यू है, आपको तो x निकाल के देना है, x इज इक्वल टू डालने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको बोथ साइड। जैसे ही आपसे 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बाई 5 नजर आएगा इसके मल्टीप्लाई में, 5 को अंदर भेज दो 1 2 3 3 1 2 एलिमेंट आ जाएंगे x मैट्रिक्स के। अभी तक x मैट्रिक्स निकली है, अब y के निकालने के लिए ऐसे ही आप सोल्व भी कर सकते हो, वरना x की वैल्यू पुट कर लो फर्स्ट में कर लो, या सेकंड इक्वेशन कर लो, या थर्ड में कर लो, जहां मर्जी कर सकते हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू डालने जा रहा हूं। क्या था इक्वेशन, थी 2x प्लस y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो x की वैल्यू उठाकर मैंने यहां से यहां डाल दी, पहले इसका डबल कर लो उधर जाकर माइनस कर दो तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये तो मेरे के एज इट इज लिखी हुई नजर आ रही होगी, ये 2 4 6 6 1 का 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस कर दूंगा इसमें से, 4 माइनस 2 2 होता है, 4 माइनस 4 0 होता है, 7 माइनस 6 1 होता है, 7 माइनस 6 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 4 माइनस 4 0 होता है। ये क्या आ गया, ये y मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स x और y पूछी गई थी, दोनों मैट्रिक्स निकल चुकी है। नेक्स्ट है, वी हैव 3a माइनस 2b प्लस 3x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या है, यहां से मैं x को अकेला करना चाहूंगा और a b मैट्रिक्स दे रखी मेरे को, तो x को अकेला कैसे करूं, आप माइनस थ्री एक्स बोथ साइड ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा थ्री ए माइनस टू बी और राइट साइड में चला जाएगा माइनस थ्री एक्स। मेरे को तो एक्स निकालना है ना, माइनस थ्री इसके अपोन में भेज दो, किसके अपोन में, थ्री ए माइनस टू बी के, थ्री माइनस टू बी माइनस थ्री अपोन में भेजने का मतलब वन बाई थ्री नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो वही है।
ये मैट्रिक्स एक्स ऐसे निकले। कहने का मतलब ए को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए, बी को टू से मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री में से टू भी माइनस करने के बाद उसका वन बाई थर्ड नेगेटिव कर दो। तो सबसे पहले थ्री ए माइनस टू भी निकालूंगा, ए को थ्री से मल्टीप्लाई, टू को बी से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। तो थ्री फाइव जाए फिफ्टीन, थ्री माइनस वन जाए थ्री माइनस का नाइन सिक्स। माइनस को भेज रहा हूं साथ साथ तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस को अंदर भेजोगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एट, माइनस प्लस माइनस सिक्स, माइनस प्लस माइनस टू, और यहां माइनस माइनस प्लस टू, टू जा फोर। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन रहता है, बस दो मैट्रिक्स कैसे ऐड करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया जाएगा। 15 प्लस 8 23, माइनस 3 प्लस माइनस 6 माइनस 9, 9 प्लस माइनस 2 प्लस 7, 6 प्लस 4 10। वैल्यू अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो नजर आ रहा है 3 माइनस 2 भी की वैल्यू आई है। अब इसको क्या करना है, माइनस 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप इसको माइनस 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर भेजोगे ये माइनस हो जाएगी 23 बाई 3, ये प्लस हो जाएगा 9 बाई 3 का मतलब 3, 7 बाई 3 नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस 10 बाई 3 बन जाएगा। क्या ये x की वैल्यू आ चुकी। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी 3a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, 10 कहा है c की वैल्यू का पता लगा ये, जबकि a और b की वैल्यू दे रखी है हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को अकेला करने की कोशिश करेंगे। कैसे किया जाए, आप माइनस फोर सी ऐड कर दीजिए वो साइड, जैसे ही ऐड करेंगे इधर माइनस फोर सी आ जाए, इधर फोर सी कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री ए माइनस टू भी बचा। माइनस फोर को इधर भेज दीजिए अपॉन में, यानी कि माइनस वन बाई फोर हो जाएगा इसका मल्टीपल थ्री ए माइनस टू बी का, जो अभी अभी सम किया था बिल्कुल वैसे ही। ए का ट्रिपल कीजिए, टू का डबल कीजिए, थ्री ए माइनस टू भी कीजिए, बाद में वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी वैल्यू निकलाई। इसलिए पहले निकालते थ्री ए माइनस टू भी, तो ए की वैल्यू ये है इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, बी की वैल्यू ये है उसको माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो थ्री से मल्टीप्लाई करते सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन, माइनस बाहरी छोड़ दिया, अब की बारी प्लस टू मैंने अंदर भेजा, तो सिक्स एट टेन ट्वेल्व, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, नाइन माइनस एट वन, ट्वेल्व माइनस टेन टू, फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री। ये मैट्रिक्स बन गई कौन, थ्री ए माइनस टू भी आई है, बट मेरे को तो इसका वन बाई फोर्थ यानी फोर्थ वन फोर्थ चाहिए इसका, वो भी नेगेटिव। वन फोर्थ कैसे निकालोगे, इसको फोर से डिवाइड कर दो प्रत्येक एलिमेंट को, तो क्या होगा वो भी नेगेटिव के साथ, जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं बनता हमें डिवाइड करना किसी नंबर से, तो जीरो रह जाएगा, माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, माइनस वन बाई टू बन जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर बन जाएगा। ये मैट्रिक्स सी आ चुकी है। नेक्स्ट टू ए प्लस थ्री एक्स इज इक्वल फाइव ई, मैट्रिक्स ए दे रखी है मैट्रिक्स बी दे रखी है, कहा है एक्स की वैल्यू का पता लगाइए। तो क्या करेंगे, एक्स को अकेला करेंगे, बट उससे पहले ए की वैल्यू रखी हमने, बी की वैल्यू रखी, फाइव को अंदर स्केलर के मल्टीप्लिकेशन की टू के साथ मल्टीप्लाई कर दी इस मैट्रिक्स को, डबल हो गए इन सबके एलिमेंट, इधर फाइव टाइम कर दिए हमने इन सबको। अब थ्री एक्स को अकेला करेंगे तो ये मैट्रिक्स में से ये वाली उठकर इधर आकर माइनस आ जाएगी, तो इसका मतलब इसको एज इट इज रखूंगा, ये वाली इधर आकर माइनस कर दी मैंने लिखी अभी, तो माइनस लूंगा 40 माइनस 4 36, 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा 20 माइनस 8 12 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 हो जाएगा, 15 माइनस माइनस 10 25 हो जाएगा, 30 माइनस 2 28 हो गया। ये क्या आया 3x, हमें तो x चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दो, इधर से करेंगे तो x बच जाएगा, इधर से करेंगे तो 1 बाई 3 बाहर रखा। अब 3 से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट को, तो 3 12 चला जाएगा, ये 4 बाई 3 रह जाएगा, ये अकेला 4 बन जाएगा, ये माइनस 14 बाई 3 हो जाएगा, 25 बाई 3 हो जाएगा, 28 बाई 3। दिस इज मैट्रिक्स x विच इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उसके बाद अपने पास है 20th क्वेश्चन, यहां वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमें यहां सी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी जबकि ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे, सी को अकेला करना चाहूंगा सिमिलरली,
तो माइनस सी ऐड कर दूंगा बोथ साइड, तो ए प्लस बी इज टू माइनस सी बचेगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए माइनस उधर भेज दूंगा, तो ए प्लस बी का नेगेटिव कर देंगे। तो कहने का मतलब ए प्लस बी निकालिए, जो ये आएगा उसका नेगेटिव कर दीजिए। तो ए क्या है मैट्रिक्स, बी क्या है मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है बता सकते हैं आप, इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, बोलिएगा क्या लिख दूं, 3/2। इसका क्या है, इसका भी 3/2। कैसे, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले रो लिखे जाती है बाद में कॉलन, फर्स्ट कॉलन सेकंड कॉलन, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो ऐड कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1+2 3 हो जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, 1+2 3 हो जाता है, 3+1 4 हो जाते हैं, -1+1 0 हो जाती है। अब ए प्लस बी का अगर आप नेगेटिव कर दे तो सी आ जाता है, ये पीछे हम पड़ गए आए हैं, तो ए प्लस बी तो मिल चुका है मेरे को, इसका नेगेटिव कर दो, नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर भेज देंगे नेगेटिव साइन को, तो -3 -4 -3 -3 -4 0, दिस इज द मैट्रिक्स ए सॉरी सी। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, फर्स्ट क्वेश्चन ए डॉट बी इज इक्वल टू, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मांगी हमारे से। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती है। मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं ए जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर पी बाई क्यू है, इन दोनों की मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं मल्टीप्लाई करना, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, इस पहली मैट्रिक्स के कोलन और दूसरी मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी का रिजल्ट गुणा करने के बाद जिसको बोलोगे आप, वो ये आएगी एम बाई क्यू। तो देखो आप यहां पे इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 3/2। क्या आप इसमें वो कंडीशन देख पा रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कोलन सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल है, बिल्कुल 3 यहां पर है इसकी कोलन और इसकी रो 3 है, 3 = 3 होता है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, एग्जिस्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब एग्जिस्ट होती नया जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद 2/2 का आएगा, देख लेते हैं क्या ऐसा ही है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कोलन के साथ करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 को -5 के साथ किया, ये एक एलिमेंट आया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चलते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 बाद में लिख लेंगे प्लस 3 -4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो। फिर सेकंड रो को उठाता हूं फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस -5 को -5 के साथ मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो सेकंड कोलन पर चलते हैं, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस -5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये है प्रोसेस दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का। अब 2 1 2 होता है, 3 3 9 होता है, 4 -5 -20 होता है, 2 2 4 होता है, 3 -4 -12 होता है, 4 6 24 होता है, -1 1 -1 होता है, 2 3 6 होता है, -5 -5 25 होता है, यहाँ -1 2 -2 होता है, 2 -4 -8 हो जाता है, -5 6 -30 हो जाता है। कैलकुलेशन कर लो, 9 और 2 11 में से बीच गए -9 होते हैं, लिख दिया ये हो जाएंगे 28 -12 16, ये हो जाएंगे 31 -1 30, ये हो जाएंगे माइनस के सारे 40। क्या आ गया, ये ए बी की मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है। और आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए डॉट बी यानी कि दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैट्रिक्स ए पहले लिखी जाएगी, मैट्रिक्स बी पहले बाद में लिखी जाएगी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करें तो वो 2/3 है, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करो तो वो 3/3। क्या दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, फर्स्ट की रो कोलन सेकंड की रो इक्वल नजर आ रही है 3 और 3, तो इसका मतलब मैट्रिक्स डिफाइन है ए बी। अगर ए बी डिफाइन है तो नई मैट्रिक्स जो ए बी की मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी वो क्या ऑर्डर आएगा, 2/3 का आएगा, देख लेते हैं। पीछे 2/2 का बोल रहे थे आया था, बिल्कुल आया था, ये 2/2 की मैट्रिक्स बन चुकी है। तो देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कोलन किस तरीके से होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करके। अगला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने पर,
वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, प्लस टू को फोर से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करो। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वन को वन से मल्टीप्लाई, प्लस टू को टू से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस थ्री को प्लस थ्री से मल्टीप्लाई। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इनकी कैलकुलेशन की, मिल गया मैट्रिक्स मेरे को, ये एलिमेंट है 9 - 7 - 4 = 8, 40, 21, जो कि ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, रो इसमें 2 है तो कॉलम 3 है, तो हम भी तो ये बात कर रहे थे 2/3 का ऑर्डर आएगा, तो 2/3 आ चुका है। नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है हमने, दोनों सामने आपके रखी गई हैं, इस क्वेश्चन पूछा था दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए, क्या है वही कहानी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टू को वन से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो, थ्री को जीरो से, प्लस कर दो, फोर को थ्री से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चलेंगे, टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई, प्लस थ्री को टू से मल्टीप्लाई, प्लस फोर को जीरो से मल्टीप्लाई रखा गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे चलेंगे, टू को फाइव से मल्टीप्लाई करो, प्लस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करो, प्लस फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करो। डॉट का मतलब यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई ले रहा हूं। सिमिलरली सेकंड रो को उठाता हूं, फर्स्ट कॉलन के साथ करूं, सेकंड रो सेकंड कॉलन के साथ और सेकंड रो थर्ड कॉलन के साथ। थर्ड रो को उठाऊंगा फर्स्ट कॉलन के साथ, ये आएगी, थर्ड कॉलन को सेकंड कॉलन के साथ, थर्ड कॉलन को सॉरी थर्ड रो को थर्ड कॉलन के साथ। यहां से आप कैलकुलेशन होकर मिलेगी आपको एक मैट्रिक्स 14, 0, 42, 18, -1, 56, 22, -2, 70। दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर इज 3/3। दो मैट्रिक्स फिर से हैं, दोनों की मैट्रिक्स मांगी गई है, पहले का ऑर्डर है 2/3 और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। फर्स्ट के कॉलम 3 है, सेकंड मैट्रिक्स के रो 3 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं, मैट्रिक्स 2/3 की आएगी। सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस -1 को +1 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे चलते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, प्लस -1 को 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से कर दिया। एलिमेंट आपको एडिशंस करने के बाद यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद ये मिलेंगे, जो कि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, जो कि 2/3 का ऑर्डर है। अब नेक्स्ट में क्या है, यहां दिखा गया है दो मैट्रिक्स का सम कीजिए, बाद में उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो दो मैट्रिक्स का सम कैसे, दो मैट्रिक्स का सम कैसे पॉसिबल होता है, दो मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर एक जो बात करें वो सेम होना जरूरी है, तो ऑर्डर ये 2/2 है, वो भी 2/2 है। तो पहले एडिशन करेंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा, फिर 3 - 2 एड करोगे तो 1 हो जाएगा, -1 - 1 ये -2 हो जाएगा, फिर -4 + 1 ये हो जाएगा -3। इसको मल्टीप्लाई करना एज इट इज चली आ रही है मैट्रिक्स, एज इट इज यहां लिख दी, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 - 1 = 2 तो 4 + 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये इस तरीके से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन के साथ हो चुका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, 4 को 3 से प्लस कर दो, 1 को 4 से, 4 × 3 = 12 प्लस 1 = 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलन, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 20 + 1 = 6। फिर सेकंड रो को उठाता हूं फर्स्ट कॉलन के साथ, -2 को 1 के साथ -2 प्लस -3 को 2 के साथ -6 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड थर्ड यानी कि सेकेंड कॉलम पे -2 को 3 से -6 हो जाएगा, -3 को 4 से -12 हो जाएगा। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ -2 को 5 से हो जाएगा तो -10 और प्लस कर दो आप -3 को 6 से -18। अब ये 6 बन गया 16, 26 - 8 - 18 - 28
ये क्या आ गया, रिजल्ट आ चुका है रिक्वायर्ड। अब यहां पर आप देखोगे तो मैट्रिक्स एक नहीं दो नहीं तीन तीन की मल्टीप्लिकेशन मांगी गई है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, इस मैट्रिक्स के पहले इससे मल्टीप्लाई की जो आया उसके साथ इसे, तो ये ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 1/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल, इसकी रो इसके कॉलम सॉरी इसकी कॉलम इसकी रो इक्वल है 3 और ये भी 3, मल्टीप्लाई पॉसिबल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1+4+0 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, 3 1 3 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे 1 2 2, 2 1 2, 3 2 6, तो 1 2 यानी कि 2+2+6 हो जाएगा, 2+2+6 लिख दिया मैंने। ये मैट्रिक्स जो आएगी 1/3 की निकल के आएगी, तो फर्स्ट रो नजर आ रही है इसके कॉलम 3 नजर है, तो 1/3 का तो ऑर्डर है, इसको फिर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये 3/1 का है, तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, 5, 3 और 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 5 10 प्लस 3 4 12 प्लस 10 4 10 6 60, कैलकुलेशन होकर आएगा 82। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/1, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन। इस मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई किए जो आएगा उसको ऐड कर देना इस मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करके, तो पहले इन दोनों का मैट्रिक्स AC प्लस BD, यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A² + B² + C² + D², दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दो, ये इसका ऑर्डर, हाँ बिल्कुल, काफी दिन हो गए ऑर्डर तो पता हो गया होगा, तो चलिए बताइए आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सोचिए, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सोच लिया, क्या बताया आपने, 1/1, इसका क्या बताया, 1/1, शाबाश। तो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे ऐड होंगे, इसको पूरे में ऐड करना है, ये बस AC + BD + A² + C² + D² हो जाएगा, एज इट इज लिखा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/1 आंसर है। यहां पर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, बट उससे पहले इस मैट्रिक्स में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको एज इट इज लिखूंगा, इसका सब्ट्रैक्शन 1/0 होता है, लिख दिया 0 -1 -1 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या, ये 3/2 का ऑर्डर है और ये 2/3 का है, 3/2 2/3, पहले के कॉलम दूसरी के रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 + -1 -1 यानी कि 1 -1, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, रिजल्ट आया 1 -1 0, इस तरीके से -1 1 2 0 -2 5 -2 -3, ऑर्डर इज 3/3, तो क्या आ गया, रिजल्ट आ चुका है। थैंक यू।